Hi, I'm Archana, Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मेरी सफलता के पीछे भी अर्चना जी का बहुत बड़ा हाथ है. हाथ ही नहीं, पैर भी हैं इनके. क्योंकि जब ये खुश होती हैं, तालियां बजाती हैं, गुस्से आते लात मारती, निकल कंबखत मारे तू. और ये बात सच भी है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. और जब से औरतों ने ये अपना हाथ जो है खुद के लिए आजमाना शुरू किया है, ये हर जगह सफल हो रही है. आप देखिए, जो हाथ ऐसे ऐसे करके आटा गूंथते थे, जब से इन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के सामने वाले को गूंथना शुरू किया है, गोल्ड मेडल ले आई हमारी औरतें. और मुझे तो लगता है ये बात के लिए एक आदमी ने इनको मोटिवेट किया होगा कि जितना तू मेरे साथ मारपीट करती है, अगर इसे थोड़ा सा कम भी बाहर जाके करे तो गोल्ड मेडल लेके आ सकती है. और हुआ भी, हमारी महिलाओं के लिए जोरदार तालियां. कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है. बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आप देख लो, ये लेडीज से आया, आपको पता ना हो शायद. क्योंकि जब बैंकों का इतना ट्रेंड नहीं था ना, तो हमारी माताएं बहनें ये घर में पैसे संभाल के रखती थी. 200 रुपया मूंग की दाल के डिब्बे के नीचे, 500 रुपया चने की दाल के नीचे एफडी कर दी, और फिर मुसीबत के समय निकाल के देती थी. बैंक भी आजकल यही कर रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आदमी को 100 रुपए के पीछे 3 रुपए इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे 100 रुपए के पीछे चने की दाल का टेस्ट आता है. आप देखना, बैंक में रिकवरी के लिए लड़कों को लगाया होता है, लेकिन रिकवरी तब हो जब आदमी पकड़ में आए. इसलिए आजकल बैंक वालों ने लड़कियां रखी हैं. ये जिनसे लोन लेना होता है ना, उनको फोन करके मीठी मीठी बातें करती हैं. ऐसे ही नहीं सुरेश, कब तक बातें करते रहेंगे, अब मिलते हैं ना, आओ किस दिन रेस्टोरेंट पे. बंदा तैयार व्यार होके चला जाता है, डेट अभी आज. वहां पहुंचता तो 7-8 मुस्टंडे खड़े होते हैं. फिर जो आदमी मोटरसाइकिल पे गया होता है लड़की से मिलने, खाली हेलमेट लेके जीटी रोड पे भाग रहा होता है वो. और फिर घर जाके दोस्तों को बताता है वो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं. आदमी को देख लो आप, मंगल पे पानी ढूंढ रहा है सालों से. उसको पता है जब तक पानी नहीं मिलेगा गिलास कैसे बनेगा. मैं कहता हूँ वही अगर किसी औरत को मंगल पे भेजा होता, सबसे पहले वो शॉपिंग ढूंढती. उस चक्कर में दुकानें बनती, मॉल बनते, रेस्टोरेंट, क्लब, अब तक पूरा मंगल बसा चुकी होती वो. सीरियसली, क्योंकि जो औरत इस धरती का मंगल कर सकती है, वो मंगल को धरती भी बना सकती है. आप देखना, सारे न्यूज चैनल्स में ना, डिबेट्स में ज्यादातर आपको लड़कियां दिखाई देंगी, क्योंकि लड़कियां जो होती है दिमाग से तेज होती हैं, बातों में बड़ी तेज होती हैं, बड़ी होशियार होती हैं. और कई तो इतनी होशियार होती हैं सामने वाले को बोलने नहीं देती, खुद ही डिबेट में बुला के सामने बिठा लेती हैं. बताइए आप, महिलाओं को कब तक दबाया जाएगा? वो कहता है सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि औरतें आपकी सुनती रहे? नहीं देखिए, आप समझी नहीं. समझी नहीं क्या मतलब? औरतें समझती नहीं है, आप ही सबसे समझदार है. बंदा घबरा जाता है. बताइए क्या आप ही हैं समझदार? देखिए क्या दिखाएंगे आप? क्या गलती क्यों नहीं मानते आप अपनी? अरे गलती का सवाल ही नहीं, सवाल कैसे होगा? सारे सवाल तो आपने औरतों पे लगा रखे हैं. भड़क के उठ जाता है, मैं ये डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ. देखिए ये आदमी औरतों के अधिकार के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं. कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है देश, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. देखना मेरे मेकअप तो नहीं खराब हो गया लड़ने के चक्कर में? टीवी एंकर छोड़ो आप, फिल्म की डायरेक्शन देख लो. लेडीज डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हैं. अगर वो सोच लें कि किसी हंसी मजाक करने वाले बंदे से सीरियस काम कराना है, करवा लेती हैं. जैसे नंदिता दास, अब एक लड़के से इतना अच्छा काम कराया, पहली बार में देखो फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है. और सिर्फ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ही नहीं, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी. खैर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लेडीज आर द बेस्ट, वो हर काम कर सकती हैं. हमारी आज की जो मेहमान है वो भी ऐसी हैं, और उनका इंट्रो देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक गाना है. अच्छा, जब मैं वो गाना गाऊंगा आप समझ जाएंगी वो कौन है. एक बार तमन्ना के लिए. ओहो, वेलकम वेलकम तमन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे. देखो आप, मैं अकेला ही नहीं जो आपसे प्यार करता हूँ. मोहब्बत भरी पड़ी है लोगों के दिलों में आपके लिए. तमन्ना
तमन्ना के सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ, किसी भी इंस्टा पे, तो तमन्ना डबल ए आ गया है। ये जो आह आपका आया है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि डबल ए एच लगाओ कि ये जो लोग आपको देख के आहें बढ़ते हैं उनमें से किसी की आह आपने लगाई हुई है। मैं अपने अंदर के उम्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मेरे नाम में से फूट फूट के निकल रहा है, इसलिए उसमें से एक एक एक। तमन्ना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबली बाउंसर के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म का टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत थी। जो ओरिजिनल नाम था बबली बाउंसर का, अर्चना पूरन सिंह जो नाम था, वो उस बबली बाउंसर आप ही की बायोपिक, आपको पता ना? अच्छा, मुझे पता है। मैंने कॉलेज के टाइम और थोड़ा उसके बाद भी बहुत लड़कों को पीटा है। आप गई कॉलेज? अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, लड़के जब पिटते हैं तो वो सच्ची में पिट रहे होते हैं कि उनको मजा आ रहा होता है? नहीं, आई थिंक जिनको मैंने पीटा उनको बिल्कुल मजा नहीं आया है। लाल, पीले, हरे, नीले होकर गए हैं वो। प्रमीत सर के साथ कैसे शुरू हुआ मामला? आपको पता ना पूरी स्टोरी? नहीं। अरे, इनका अफेयर तो चल रहा था, तो शादी कर नहीं रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ मरोड़ा, हाथ मरोड़ के फेरे लिए, चल 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 चल, सात फेरे इन्होंने लिए हैं। तमन्ना के बारे में आप सब जानते ही हैं, इतनी वर्सेटाइल हैं और इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। पता, जब बाहुबली में हमने आपको देखा, वी फेल सो प्राउड। अच्छा तमन्ना, जब आप फिल्म कर रही थी बाहुबली, तो आपको तो पता ही होगा कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को। कपिल, मेरे को एक साल ना पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि वो मुझे पेट में बात छुपा के रखनी पड़ी एक साल तक, तो इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड द फनी पार्ट इज, मुझे पहले पार्ट के रिलीज के एक दिन पहले मालूम पड़ा कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा था। बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन गया था यार ये। तो फनी पार्ट इज, आई आल्सो डिडंट नो। ये फिल्म का ट्रेलर जब आप देखेंगे, आपको पता चलता है अखाड़े में बहुत सारे पहलवान जो है वो कसरत कर रहे हैं। पहलवान खूबसूरत लड़कियों से दूर रहते हैं, लेकिन खूबसूरती जब खुद अखाड़े में गई तो पहलवानों का क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक उनको खूबसूरती से इतना फर्क पड़ा। अरे पड़ता है, सबको पड़ता है। Honestly, उनसे ज़्यादा तो मैं पहलवान लग रही थी, because वो लोग तो मुझे मोमो लग रहे थे। मोमो पहलवान तो मैं लग रही थी जो एक्चुअली डिप्स मार रही थी। तमन्ना से शादी करने की तो बहुत लोगों की तमन्ना है। ये मेरे को अर्चना जी बोली थी, इनका ना मैरिज पार्लर भी है। हाँ, तो ये बोली थी कि तमन्ना आएगी तो उनसे पूछना कि वो अपने होने वाले पति में क्या ढूंढती है। तो ये ज्यादा फीस भी नहीं है, 2100 रुपए और सोने की अंगूठी लेती है। आई थिंक मेरे होने वाले पति में ये गुण होना चाहिए कि वो कभी पिंक ना पहने। लव यू तमन्ना। कोई लाइट दूसरी दे दो, इसका कलर चेंज कर दो। अच्छा, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ। खुद की शादी हो रखी है और खुद को याद भी नहीं है कि शादी की है। किसकी बात कर रही हैं आप? Exactly my point. Absolutely. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ए दमन जी, क्या कर रहे हैं ये? क्या धोखा? अब हमको पता चला कि हमारी बेटी आपको का ही नहीं याद आ रही है, जब इतनी बगल में इतनी सुंदर और हॉट लड़की बैठी है, तो हमारी बेटी का ख्याल आपको कहाँ से आएगा? अरे तमन्ना है, एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, आप सामने से आके देखिए। तमन्ना तो हर आदमी की होती है कि ऐसी सुंदर लड़की मिले, हमारी बिटिया कहाँ रखी? ए बेटी, जल्दी आओ, ये देखो दामाद जी यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ए, लेट मत करो, कहीं गुलछर्रे उड़ ना जाए। अरे ये तो इनकी सेलिब्रिटी गैस है तमन्ना भाटिया। ये तमन्ना भाटिया बाहुबली वाली, राइट? तब तो मिलना पड़ेगा। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? अरे बाहुबली जब इनके लिए बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है, तो मैं इसे कूद नहीं सकते हैं? तमन्ना जी आपके बहुत बड़े फैन है। अरे उससे बड़ा फैन तो हमारा बेटा गोली है, उसको बुलाते। गोली, ए गोली। सॉरी तमन्ना, वो मम्मी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। सॉरी, गलत फहमी होगी, गलत फहमी नहीं, फैमिली गलत है सारी। मेरे बेड से चादर उठा के साड़ी बना ली, अब मैं कैसे सोऊंगा उधर? इनकी फैमिली देखो आप, इसकी माँ बाप लगती है, बाप इसका माँ लगता है, रिश्ते की माँ बहन करके रखी इन लोगों ने। शर्मा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सास ससुर है वो आपके। और आप कौन लगती है? मेरी दीदी। दीदी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये बार बार आके मेरे को बोलती, बीवी देखो अगर थी भी ना, मैं अभी कैनेडा में था, वहां पे एक बियर मिलती है,
वो पी के तो मैरिज डिटॉक्स हो जाती है। कौन सी बियर से मैरिज डिटॉक्स होती है? बियर से नहीं होता, जो बियर लेके आती है उसको देख के हो जाती है। अच्छा तमन्ना, दरअसल बात यही है कि ये इनकी याददाश्त जा चुकी है। कुछ बातें वैसे याद है, सिर्फ बाय मिस्टेक इतना भूल चुकी कि मैं इनकी बीवी हूँ। बाय मिस्टेक नहीं, बाय लक। पूरी फैमिली फ्रॉड है। कौन फैमिली होती है जो बेटी के माँ बाप 6-6 महीने से दामाद के घर में पड़े रहे? ऐसा होता कभी? अरे पड़े हैं क्या, क्या मतलब, वो तो आप ही के लिए यहाँ रुके हैं। आप काजू खाओ ना, तुम भी जाके बाहर से बड़ा पाव खा के आओ ना। नहीं थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इनको नहीं हजम होगा, महंगी चीज है। थैंक यू सो मच। देखा, कुछ सीख लो अपने गेस्ट से। इसको लेमिनेशन करवा के रखो। कोई नहीं, अभी भी पतले हुए हो, छोड़ दो। काजू से मोटा होता आदमी? आई थिंक सो ना। आप कैसे पतले हुए? मैं तो बस यही परेशानियों से ही पतला हो गया हूँ। चलो कुछ तो फायदा हुआ मेरा, आप पतले हो रहे हैं। और मम्मी पापा आप ही के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, वरना गांव में हमारी भी पुश्तैनी हवेली है। कौन सी हवेली है तुम्हारी गांव में? हवेलियां होती हैं, बड़ा सा दरवाजा, फिर आगे हॉल, फिर और कमरे। इनकी हवेली देखी, दरवाजा, हॉल, आगे बुरा हाल। है कुछ नहीं। एक सेकंड, हवेली याद है, मैं नहीं। ये ना स्ट्रेस में ऐसी बातचीत कर रहे शर्मा जी। आप ऐसा कुछ करती क्यों नहीं कि उनको याद है कि आप हो? जैसे कि कोई गाना। ये तो मुझे माँ बाप भी भूल जाएंगे अगर इसने गाना गा दिया। देखिए शर्मा जी, मुझे पता है स्ट्रेस है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप स्ट्रेस से दूर रहा कीजिए। तो दूर रहो ना, उधर जाओ आप क्यों आती मेरे पास? क्योंकि हमारी शादी हुई है शर्मा जी। ऐसे बोलने से क्या होता है? ऐसे तो मैं कल को बोल दूंगी तमन्ना की मेरे साथ शादी हुई है, मान थोड़ी जाएगी वो। मैं भी वहीं चले जाऊंगी जहां आप गए थे, वो शादी का डिटॉक्स कराने। इधर आओ, ये फैमिली है, ये देखो इसको। क्या ये सारा कचरा मेरे घर में रखा हुआ है 6 महीने से? झूठ बोली जा रहे मेरी इससे शादी हुई? कैसे शादी हुई? क्या सबूत है तुम लोगों के पास? ये सबूत है दामाद जी। मम्मी कैसे हो सकता है ये सबूत? क्या बोल रही हो तुम सबके सामने? पूरी बतिया तो सुनो, काहे पतर पतर बीच में बोल देती है? ये देखो आपस में माँ बेटी लगती है, इनका एक्सेंट ही नहीं मिल रहा। माँ भोजपुरी में बात कर रही है ये, पता तू कौन सी पूरी? हाँ तो आपसे शादी हुई ना, आपसे सीखी है मैंने। हट पूरी बात। और ये क्या सबूत हुआ जी? अरे पूरी बात तो सुनिए, शादी के बाद तुम्हारी विदाई हो गई थी, घर सुना सुना हो गया था, तुम्हारे बाप के साथ मेरा चुना मुन्ना हो गया था। जीजा कैसा है? अबे मैं तेरे मारूंगा एक, खबरदार मुझे जीजा कहा तो। जरा ये इनका बेटा देख लो, खुद स्कूल में पढ़ता है, मूछें इसकी बीए पास है, देखो ये। ये देखो चूसा हुआ राहुल रॉय। अरे दामाद जी और साले साहब का ऐसा मजाक हंसी चलता रहता है, एक गोली देख देख पहचान पहचान। हम लोगों भी अंदर बैठ के पिक्चर देख रहे थे, हाथी घोड़ा तलवारबाजी ये सब हो रहा है। अरे मम्मी पता है बाहुबली की तमन्ना भाटिया है, अभी इनकी फिल्म आ रही है बबली बाउंसर। आए हाँ, इंस्टा में 17 मिलियन फॉलोवर है। इन्होंने ब्लू कोट में फोटो डाली थी, हमने पूरा 4 दिल कमेंट किया था, रिप्लाई कर देना, दबदबा बना रहेगा। मम्मी इतनी छोटे बच्चे को मोबाइल क्यों लेके दिया आपने? अरे खरीद के नहीं दिए हैं, किसी के जेब में पड़ा मिला था, छोटा है ना कहीं भी घुस जाता, कल तो फ्रिज में सो रहा था। मम्मी इसको छोड़ो, इनको याद दिलाओ। हाँ तम्मा, अरे बाप रे बाप तमन्ना जी। क्या हुआ? क्या हो गया? चेहरा पे इतना ज्यादा ग्लो है कि हमारे अखिया चौंधी आ गए। हमारे पति देखेंगे आपको तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं मर जाएंगे। एक बात बताइए तमन्ना जी, अपना डाइट प्लान बताइए ना, कहाँ खाती है जो इतनी सुंदर इतना ग्लो है? अपना कमा के अपना खाती है, दामाद के घर का नहीं खाती है बस, इसीलिए ग्लो है। बताइए ताकि अपनी बेटी को खिलाएं, ये भी सुंदर लगे, तब आपको याद आएगा कि यही आपकी बीबी है। ये डाइट से कुछ नहीं होता, माँ बाप के जीन्स भी कुछ चीज होते हैं। नहीं हमारे पति जीन्स नहीं पहनते, कुर्ता पजामा पहनते हैं। हाँ वो बात अलग है, हम कभी कभी जीन्स पहन लेते हैं। अरे मम्मी जीन्स मतलब
मतलब डीएनए जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, पता है सेम मतलब। अच्छा वैसा वैसा। तभी तुम बाप पे गई हो, अगर मुझ पे गई होती ना दामाद जी कभी भूलते ही नहीं तुमको। हमारे खानदान में ऐसा ही है, बेटी बाप पे जाती है और बेटा माँ पे। ये अगर आप पे गया है तो शुक्र है मैं पापा पे गई हूँ। ए दीदी मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यहीं खड़ा हूँ ना। क्यों जीजा? ओए जीजा पर मैं तेरे नाड़े से पढ़ के घुमा देना तेरे को, मैंने बोला जीजा नहीं बोला मेरे को। ए दामाद जी काहे इतना गुस्सा होते हैं आप? कभी कभी तो मेरे को लगता है यही लाइनें मार रही। काहे गुस्सा? तुके क्यों ना गुस्सा? दामाद जी एकदम ठंडे दिमाग से रहा करिए, क्योंकि गुस्से में निकली बात और अमावस्या की रात बहुत खतरनाक होता है। आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती होगी। ऐसा मुंह ना, ऐसे कनाडा में रकून होते हैं, उनको भगाओ तो यूं खड़े होकर देखने लगते हैं आपको। अरे दामाद जी देखिए आप हम जैसे भी है ठीक है, बट हमारी बिटिया को याद कर लीजिए। हम आपको याद दिलाते हैं, आप शादी के मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हमारी बिटिया नाक में उंगली कर रही थी। पापी, क्या बोल रही हो तू? बेटा कुछ विजुअल ऐसा होता है कि दिमाग से जाता ही नहीं। अब दामाद जी आपको याद है फेरों के वक्त लखनऊ वाले फूफा जी दारू पी के आपको चूम रहे थे? ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा हाँ, बाद में वही जो जूते में दही डाल के पी रहे थे। और उसके बाद 3 लड़की आई थी दुल्हन को लेके। हाँ वो जो पीली वाली बड़ी अच्छी खूबसूरत थी वो। अच्छा, हाँ वही वही। और पीली वाली के बगल में हमारी नीली वाली भी तो खड़ी थी। याद आया? ये नहीं याद मेरे को। ए दीदी अगर तुम्हारा शकल भी ना पीली वाली की तरह होता जीजा को याद आ जाता। क्यों जीजा? भाई हट बे। तेरे को मैं एक उल्टे हाथ का दूं क्या? हाँ तू किसकी तरफ है? चाहो तो सीधा हाथ मार लो, मैं तो उसी की तरफ रहूंगा ना जो हमें रोटी खिलाएगा। हाँ। आप लोग तो खिलाते नहीं। क्या कह रहे? सबके सामने परिवार का बेइज्जती करता है। इसमें बेइज्जती क्या? आप लोगों ने ही तो सिखाया है ठंड और बेइज्जती, जितना महसूस करो उतना ही लगती है। भूल जाते हैं ये लोग। मम्मी इसको छोड़ो, आपने कहा था ना इनको याद दिलाने का कोई एक तरीका है, क्या है वो तरीका? हाँ बिटिया याद आया, सुनो पूरी रात ना सोहत में लहसुन भिगो के रखो और सुबह दामाद जी को खिला देना। उससे क्या होगा? शहद और लहसुन खत्म हो जाएगा। और जीजा नहीं सुधरने वाला। क्यों जीजा? मैंने तेरे मारना है मेरे को जीजा कहा तो। मम्मी आप एक काम करो, आप ना मेरी दूसरी शादी करवा दो, तब इन्हें शायद याद आ जाए कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। ओह गॉड। ए बेटी तुम्हारी पहले ही बड़ी मुश्किल से हुई है। निकलो यहाँ से, और तू तो मेरे पास आया ही मत कर। झाड़ू लेने जाओ ना तो ऐसी नील की डब्बी फ्री मिलती साथ में। चलो यहाँ से बदतमीज लोग। नहीं दामाद जी हम जा रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच फिल्म बबली बाउंसर के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। मधुर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मधुर सर के हम बहुत बड़े फैन हैं हम सब, क्योंकि एक माल कमाल की फिल्में बनाते हैं, चांदनी बार, पेज 3, और बड़ी रियलिस्टिक फिल्में होती हैं। सर ये वाली जो आपने फिल्म बनाई बबली बाउंसर, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? रोका था किसी ने पब में आपको? क्या हुआ क्या आपके साथ? मुझे कौन रोकेगा क्लब में यार। हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कितनी जगह कि मेल बाउंसर होते हैं, तो मैं एक आधा पब में गया जहाँ पे मैंने लेडी बाउंसर भी देखा। अच्छा जी। तो मुझे लगा कि इस पे सब्जेक्ट बनना चाहिए और एक अच्छी कॉमेडी, एक हार्टफेल्ट, बहुत ही रोमांटिक फिल्म बन सकती है। तो उस वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर किया, फिर रिसर्च किया, फिर हमको पता चला कि एक बाउंसरों का गांव है दिल्ली से थोड़ा नजदीक है, वहाँ लोग आते हैं दिल्ली एरिया में। अच्छा जी। और किस तरह से लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे। वाह, ये एक्चुअली जो चीज देखते हैं उस पे फिल्म बना देते हैं। आप जब किसी पार्टी में जाते हो बच के रहना भाई, लोग डरते नहीं आपसे? बहुत डरते हैं यार कि हम पे फिल्म ही ना बना दे। बहुत बहुत डरते हैं। मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे को देखते सर आप हम पे तो फिल्म नहीं बना रहे ना। कहीं इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को बोलते हैं आप डोनेशन पे फिल्म बनाइए। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग थॉट पे फिल्म बनाने का। और जो ये दर्शक बैठे इन्होंने इतना प्यार सफलता मुझे दिए, नेशनल अवार्ड दिए है, बिल्कुल ये दर्शक की वजह से हम लोग यहाँ पे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर सर आपने तमन्ना जैसी इतनी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है मुझे क्या सारी दुनिया को लगती है,
इनको आपने बबली बाउंसर के लिए चुना, इनको कहीं मारपीट करते देख लिया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था मैंने, तो बाहुबली देखी थी इनकी पिक्चर। अच्छा जी। बाकी जब मुझे लगा कि रोल के लिए बबली के लिए बहुत ही अच्छी लगी है और मैंने मिला इनको नरेशन दिया, इतनी हंसी है पूरे नरेशन सुन के, बिकॉज फनी है, मूवमेंट्स है, इमोशन है, सब है उसमें, एंड मुझे लगा फिट होगी रोल में। और मेरे ख्याल से शी हैज रियली ओवरशैडो द स्क्रिप्ट ऑल्सो, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने चांदनी बार बनाई तो वो लड़की की कहानी थी, तब्बू जी ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी। कैलेंडर गर्ल्स बनाई वो लड़कियों की कहानी है, फैशन है वो भी लड़कियों की कहानी, बाउंसर वो भी लड़कियों की कहानी, लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके उनके ऊपर आप कभी फिल्म नहीं बनाते? मुझे लगता है कि कपिल तुम पे बायोपिक बननी चाहिए, बायोपिक बननी चाहिए कि नहीं इन पे? अरे देखो पब्लिक, कपिल पे बायोपिक बनती है और मेरे को लगता है मैं बना लूंगा उस पे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनफोल्डिंग हुई, बहुत सारे खुलासे होंगे उस पे। तुमको याद भी आ जाएगा जो चीज तुम भूल चुके हो। नहीं, अब बोल ही दो यार। सर एक बात बताइए, जब आपने पेज 3 बनाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, मीडिया में क्या होता है, ये तो आपने करीब से देखा है। हाँ। उनके ड्राइवर आपस में क्या बातें करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये एक दिन क्या हुआ, मेरा एक 5-star होटल के बार में पार्टी में गया था, 15 साल पहले की बात है, तो नेटवर्क नहीं लग रहा था, मेरा ड्राइवर को फोन करा था, फोन लग नहीं रहा था, तो मैं चल के नीचे गया, तो वहां पे गया तो मैंने देखा एक पूरा ग्रुप ड्राइवरों का आपस में बातचीत कर रहा है। तब बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स थे वहाँ पे, उनके ड्राइवर्स थे वो। मैंने उसको बुला लिया, बोले आ जा भाई, फोन नहीं लग रहा तो आ गया। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हो रहा, क्या बातचीत कर रहे तुम लोग? तो वो बता रहा था उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला। तो मैंने मेरे ड्राइवर से पूछा तूने मेरे बारे में क्या बोला? तो बोलता है मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, मुझे पता वो झूठ बोल रहा था। मेरे ख्याल से मैं जो है वो फिल्में बनाता हूँ एक ऑडियंस के लिए बनाता, और मेरा जो सिनेमा था वो समाज का एक आईना होता है। सो दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े अहम किरदारों को यहां पे आमंत्रित करने का। बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ शुक्ला एंड सुप्रिया शुक्ला जी। सुप्रिया जी, सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं। मैं बल्कि ये समझ रही हूँ कि मैं इस शो में आई हूँ तो अब मुझे और ज्यादा अच्छी फिल्में मिलेंगी। अरे बाप रे, आपका शो बहुत लकी है कपिल। ये आपका बड़प्पन है सुप्रिया जी, हम आपको देखते रहते हैं, आप बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। ये वैसे भी काफी बड़ी हैं, इसलिए इनका बड़प्पन है, इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, एज काफी है। सीधा क्यों नहीं बोलते आप रुमाल रखने की सोच रहे हैं? मेरे को लगा कि अच्छा सौरभ शुक्ला जी सुप्रिया शुक्ला जी, मतलब हस्बैंड वाइफ है एकदम से आ जाता ना। Yeah. फिर मैंने देखा सुप्रिया जी, मैं कह रहे हैं सुप्रिया जी को तो हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट सौरभ सर और मैं ये तीसरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, बट पहली बार हम लोग एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ बने हैं फिल्म में। इससे पहले भी हमने 2 फिल्में करी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और मैं तेरा हीरो, लेकिन हम एक सीन में भी होते थे लेकिन हमारे कोई डायलॉग्स ऐसा नहीं हुए। बड़े अच्छे दिन थे वो। क्योंकि सौरभ सर जब बोलते हैं ना तो फिर मैं इम्प्रोवाइज करने लग जाती हूँ, फिर वो इम्प्रोवाइज करने लग जाते हैं और सर कट ही नहीं बोलते और हमें लगता है कि अर कुछ ज्यादा हो गया, फिर सर तुम चुप रहो, मैंने बोला आप चुप रहो। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बोलता एक्चुअली कौन है। हाँ ते क्यों ना बोले, है भाई जबान दिए भगवान ने तो बोलेंगे ना। अरे क्या बात है, शाबाश। सौरभ सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा फिट हैं कि हर रोल में फिट हो जाते हैं। हाँ, एकदम। हाँ। कॉमेडी करवा लो, क्राइम सीरीज करवा लो, सोशल ड्रामा करवा लो, आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के आलू हैं ये, हर चीज में फिट हो जाते हैं। आप कोई भी OTT खोल के देख लो, हर दूसरी सीरीज में ये आपको दिख जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, आलू है, लेकिन आजकल आलू जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर आप इतनी सारी वेब सीरीज में जब आते हैं जी, हर दूसरी सीरीज में आप होते हैं, हाँ। तो घर पे जब उठते हैं आप तो घर वाला आईना देखते हैं कि OTT पे अपने आप को देख के तैयार हो जाते हैं? आप तो हैं ही हर जगह। ऑन अ सीरियस नोट, ये बात एक्चुअली सही है कि मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज की नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्में भी नहीं की हैं। आई थिंक ये लोगों का प्यार है और आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द रोल्स वेयर आई गॉट नोटिस्ड। द होल पॉइंट इज दैट इफ यू गेट नोटिस्ड राइट देन यू आर इन द मेमोरी ऑफ पीपल। और आपके किरदार सर हमारे जहन में बस जाते हैं,
अगर मैं सत्या की बात करूं, कल्लू मामा का किरदार हो गया या जॉली एलबम ने जो आपने जज का किरदार निभाया, नॉर्मली जज के पास बोलने को कुछ होता नहीं है, पर आपने उस करेक्टर को इतनी बखूबी निभाया, वो छोटे छोटे नुआंसेस, इतना मजा आता है सर देख के। वाओ सर, वी लव यू सर। थैंक यू सर। इस फिल्म में जैसे आप पहलवानी सिखा रहे हैं, आप खुद कभी लंगोट पहना है? मतलब पहलवानी की है कभी ऐसे जवानी में? हाँ, अंडरगारमेंट्स पहने हैं, लंगोट नहीं पहना। और वैसे भी इसको अगर थोड़ा और दूसरे तरीके से कहें तो इस दुनिया में डकैत होते हैं और बकैत होते हैं, तो मैं बकैतों की उसमें हूँ कि मतलब मैं पहलवानी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने मुझे थैंकफुली इसने करवाई नहीं वैसे। थैंकफुली सौरभ सर, हमारे इस समय भी स्टूडियो में बड़े सारे ऐसे दर्शक मौजूद हैं जो यू नो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ ऐसा गुण बता के जाइए गुरुदेव, आप इतने कमाल के एक्टर हैं। कई कई बार क्या होता है, मैंने खुद एक दो फिल्में की हैं, वैसे मुझे लगता है कि मैं तो छा जाऊंगा, और जैसे एक्शन कैमरा शुरू हो गया तो ना मेरा ये होठ हिलने लगता है, होता है ना, कॉन्शियस हो जाता है। झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा एक्टर नहीं है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं सर, एक्टिंग में और कुछ नहीं होता है, वही हंसना होता है, वही रोना होता है, वही आपकी फीलिंग्स होती हैं, अलग कुछ नहीं होता। इंसान जो है वो एक ही जैसा हो, एक्चुअली इमोशंस तो सभी के एक जैसे। बहुत खूबसूरत बात है सर। हमने अखबार में एक चीज सुनी है, हाँ, कि भाई साहब श्रीराम सेंटर में जाते थे तो इन्होंने कहीं कोई देखा कि ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं और बोलते कि साथ में ठीक ठाक से लड़के खड़े थे, तो मुझे लगा कि अपना इधर कुछ हो सकता है। सर ये बात सही है? आप थिएटर ये बात आप... एकदम सही है। सर इतने नॉटी भी रहे हैं आप। ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि मैं इतना नॉटी रहा हूं, इन्फॉर्मेशन सही है कि मैं इतना ही नॉटी हूं। तमन्ना एक बात बताओ, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या आपको लगता है क्या होती हैं आप? कपिल शर्मा होती। क्या बात। पर सीरियसली कोई और प्रोफेशन भी है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं ये होती? मेरा ये मानना है कि आज मुझे अगर आपने काम दे दिया कि ये टेबल आप साफ करो तो मैं इसे अब पूरे मन से साफ करूंगी। मेरा यही नजरिया कि अगर मैं कुछ भी बन जाती ना लाइफ में तो मैं उसे पूरी तरह से करती। यही मंत्र है बेसिकली, जो भी करो दिल से करो, नहीं तो ना करो। मुझे ना एक्चुअली सौरभ सर जैसे एक्टरों के साथ काम करने में बहुत डर लगता है, बिकॉज दे आर सो फ्रेश एवरी टाइम। उन्होंने इतना काम किया लेकिन आज भी वो पहली बार तो कर रहे काम, ऐसा वो वाले जेस्ट के साथ आते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। बिकॉज उम्र में इतने छोटे हैं, अभी नए आए हैं तो फ्रेश ही रहेंगे और क्या है। द फ्रेशेस्ट डेजी। सुप्रिया जी, आपने जो जो पहने हुए गहने बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये कुछ टिपिकल, ये आपने जो नथनी पहनी है ये ऐसे ही, मतलब सोचा कि आज कपिल के शो में आ रही हूँ तो थोड़ा सा सज धज लूं, थोड़ा सा जलवा चाहिए, और वैसे भी तमन्ना की माँ बनी हूँ तो थोड़ा तो सुंदर लगना ही चाहिए। हद कर रहे हैं, लगी तो नहीं आपके? मैं जान के नहीं गिरा, इन्होंने मारा मेरे को धक्का। हेलो सर, हेलो, नमस्ते, हेलो सर, हाय हाय तमन्ना। तमन्ना जी आई हुई है और आप यहाँ मेरे को नहीं बुला सकते थे? नहीं मुझे बताइए उस्ताद हूँ ना मैं, किस चीज का उस्ताद हूँ मैं, केले बेचने का? ये कोई उस्ताद नहीं है, फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। खबरदार मुझे एक नंबर का कहा तो। फ्रॉड कहा तो। हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे? मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरे हाथ पैर हैं, ये पैर हैं, नाक, दो आंख और कान। वाओ। आप भी बताइए ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही है। ये आपके पास इस बात का जवाब पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। भाई साहब क्या बात कह गया हमें। वाह। आई होप
होप आप कोरोना के टाइम घर से बाहर नहीं निकले थे. नहीं, मुझे निकलने नहीं दे रहे थे. मेरा नाम भी इसी वजह से पड़ा, उस्ताद घर छोड़ दास. लेकिन मैं इस मोहल्ले का काफी रेप्यूटेड संगीतकार हूँ. काफी संगीत सिखाया है मैंने लोगों को. झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई गाना वाना नहीं आता? भाई ये किसने कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, किसने कहा हमें गाना नहीं आता? गाना आता है? गाना आता है तो सुनाओ फिर. सुनाना नहीं आता? खैर हमारे रियाज का वक्त हो गया है. ये किसका रियाज कर रहे हैं आप? तबले तो है नहीं. तबला तो है नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ किसका रियाज कर रहे हैं आप? तो तबला मुझे आता है ना, तबले का रियाज क्यों? गर्दन हिलानी भूल जाता हूँ, उसका रियाज कर रहा हूँ. उस्ताद जी करने क्या हैं आप इधर आज? मैं भंडारकर साहब को कुछ, क्योंकि नहीं सब्जेक्ट पे ये फिल्म बना. क्यों? मैंने एक उभरता हुआ आजकल का एक नया सब्जेक्ट लेकर आया. क्या? देखिए साहब, मैंने एक छोटा सा गाना लिखा है. मैं चाहता हूँ उसके अंदर आप अपनी फिल्म डाल दें. गाने में फिल्म कैसे डालेंगे? यार फिल्मों में गाना डल रहा है, गाने में छोटी सी फिल्म नहीं डल सकती? कैसी बात है? मधुर जी, मैंने एक ये कहानी इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास काफी किस्सों का भंडारकर रहता है. क्या बात है! छोटी सी मैंने कहानी लिखी है. इसकी एक मैं थोड़े से आपको इसके लिरिक्स सुना देता हूँ. जरा वो देना. क्या? 100 रुपए देना जरा. ऐसे करके मांगो ना फिर 100 रुपए. ऐसे तो भिखारी लगूंगा ना, ऐसे उस्ताद की तरह मांग. प्लीज म्यूजिक नहीं देना, प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता हूँ संगीत से. लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो बाबा, लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो लाहौल बिला कुवत. वाह, कितना वाहियात गाना गा रहे हैं आप. है क्या ये लपड़ लपड़ चिप चिप चुप चुप? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें वो भी है. क्या है? ये स्थाई सुनी है कपूर शर्मा आपने भी. हाँ. आपने अंतरा नहीं सुना? अंतरा सुनाइए फिर. अंतरा की बात है, अंतरी में है मजा. ये बात आएगी देखिए. लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो पुचिर पुचिर चुई चुई. और ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कोरियोग्राफ भी किया है. कैसे? क्या कोरियोग्राफ किया? बताइए. ये मेंढक और छिपकली का रोमांस चल रहा है, तो मेंढक डेट पे लेकर गया है छिपकली को. वहां वो मच्छरों को करके बुला रहा है, छिपकली करके खा रही है. तो कोरियोग्राफी लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो. वही छिपकली आती है, पुचुर पुचुर चुंची. ओ हेलो, चलो निकलो यहाँ से, कोई फिल्म नहीं बनानी उनको. कैसे वाहियात गाने सुना रहे हो, लपड़ लपड़ चिक चिक, ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं आप, हमें भी एक फिल्म साइन कर लेनी थी. 2 मिनट. उनको नहीं करनी आपकी ये वाली फिल्म. भाई यार, एक मिनट, बजट की बात कर लेते हैं, पेमेंट की. मैं 50% एडवांस लूंगा, 300 रुपए अभी, 300 बाद में. आप करने क्या आए इधर? यार मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ आपको. आप क्यों? आपको बुलाया किसी ने? अपने आप मुंह उठा के आ गए आप. मुझे नहीं बुलाया. नहीं बुलाया? आप नहीं बुलाया मेरे को यहाँ पे? नहीं, मैं खुद आया हूँ. हाँ तो फिर मैं खुद ही जाऊंगा. चल बाहर, अंदर आ जा. आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरों के नीचे कुछ भी कमेंट करते हैं, लेकिन हम उनको चुनते हैं जो फनी होते हैं, जिस सुन के मजा आता है. तो कुछ आप लोगों की पिक्चर्स के नीचे हमारी जनता ने क्रिएटिव काम किया, मैं चाहता हूं कि आप भी एक नजर मारें. ये पीछे स्क्रीन, मधुर सर इफ यू वांट टू कम, आप यहां पे आ जाएं, दिखाइए जरा. This line is busy being glamorous. Oh, nice caption. वो मेरा ही लाइन है, वो मैंने लिखा था. नहीं, मैंने कब कहा सौरभ सर ने लिखा, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ. तुम भी ना तमन्ना. दिखाइए जरा.
बहुत प्यारी फोटो है बाई द वे. दस्ताने पहन के फोन कर रही हैं, लगता है फिरौती मांग रही है. डीपी पे आपके जैसी ही फोटो लगा के एक लड़का 2 साल मुझसे गरम गरम बातें करता रहा. ओहो, पर लोग लगाते हैं पता है हीरोइन की फोटो. ओह, तैयार तो ये वीडियो कॉल के हिसाब से हो गई और फोन लैंडलाइन पे आ गया. आगे दिखाइए. अरे बाप. ओहो, मंडे मोटिवेशन. नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू इट. क्या बात है मधुर सर. कमेंट्स. मधुर सर की मोटिवेशन भी यहीं कहीं जुम्बा कर रही होगी. डायरेक्टर जब जिम में दिखे तो समझ लो जरूर किसी हीरोइन ने कहा होगा पेट बाहर आ रहा है. पर आप बड़े कमाल लग रहे हो मधु सर. बाइसेप देखो. वाओ सर, आपका इंस्पिरेशन सर. अरे और दिखाइए कमेंट्स. सर जिम में तो कोई नहीं है, आप जिम करने जाते हो या जिम में काम करते हो? अच्छा ना, ये अच्छा. और दिखाइए जरा. ओ सौरभ सर, द मॉर्निंग्स आई लव, थैंक्स फॉर द लवली क्लिक. ओके, नो फिल्टर जी. दिखाइए कमेंट्स. ये वही लोग हैं जो किसी के घर डिनर पे जाते हैं तो बीवी के लिए बैग में लेके जाते हैं. मुझे तो लगता है ये गलती से संडे को ऑफिस आ गए. जब बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर पता चले लिफ्ट खराब है. You know, sometimes I wish ये लोग हमको कैप्शन दे यार. ये कैप्शन ढूंढना इतना मुश्किल है, ये लोग पहले ही बता देंगे क्या लिखना चाहिए. बहुत अच्छा. और दिखाइए. सुप्रिया जी ने डाला है, समंदर और मैं कुछ पल साथ जीते हैं, मैं मुस्काती हूँ वो लहरों से उछलकर खिलखिलाता है, हम यूं ही एक दूसरे से बतियाते हैं, बस समंदर और मैं. वाह सुप्रिया जी, आपने लिखा है. ब्यूटीफुल. दिखाइए नीचे कमेंट्स. देवेंद्र और मैं. समंदर और मैं के देवेंद्र और मैं खुल के साथ पीते हैं, मैं चखना लाती हूँ वो गिलास भर. मैं चखना लाती हूँ वो गिलास भर लेता, उछल कर हम यूं ही एक दूसरे से बतियाते हैं, बस देवेंद्र और मैं. एक किलर था. मैडम जी हमारे 4 ट्रक चलते हैं, उनपे शायरी लिखने का क्या लेंगी? एक्स्ट्रा इनकम. और दिखाइए. आपने नाक पे बटन क्यों लगाया? ओहो, जितना समंदर से बातें करती हो उतना किसी आदमी से की होती तो आज फोटो में 2 लोग होते. ओहो बेस्ट. वाओ, लॉकडाउन का टाइम वो भी गोवा में, कहाँ दिखता कोई आदमी. अरे फोटो कौन खींच रहा है? लड़की. हमको क्या मालूम नहीं है शुक्ला जी. वाओ, बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है. और दिखाइए. As bubbly bouncer, rap is inching closer. Just want to say that it has been a treat to work with Madhur sir. Just like this, vada pav we shared to kickstart our 3rd and last schedule. Wow. दिखाइए जरा. पीछे कौन बंदा बैठा है? बड़ा पाव वाला. बड़ा पाव वाला. अच्छा, बड़ा पाव वाला. मुझे लगा अखबार पढ़ रहा है कोई. ओके, दिखाइए कमेंट्स. प्रोड्यूसर लोगों का ऐसा ही है, लास्ट शेड्यूल आते आते बड़ा पाव पे आ जाते हैं. ये बहुत दिल जला है जिसने लिखा है. बहुत मजेदार होगा हुआ है इसने. तमन्ना ने पाउट तो ऐसे बना रखा है जैसे हाथ में बड़ा पाप नहीं मोबाइल हो. खबरदार तमन्ना के बारे में कुछ कहा तो इलिटरेट पीपल. दुकानदार की नजर से पता लग रहा है कि इनका पैसा भी बाकी है. और दिखाइए. इट वॉज सच ए डिलाइट टू मीट एंड कॉन्ग्रेचुलेट नीरज. अच्छा, नीरज चोपड़ा है. वाओ, दिखाइए कमेंट्स. लोग बायोपिक के लिए सब्जेक्ट पकड़ते हैं, इन्होंने पूरा बंदा पकड़ लिया. सर बना तो नहीं रहे कहीं नीरज के ऊपर फिल्म? नहीं, उसको नहीं करना है. अच्छा, ये बंदा आपकी स्क्रिप्ट भाले पे लगा के एक्टर के घर तक फेंक सकता है.
आगे दिखाइए. Guess who has all the ice cream in the trunk? Wow. हमारी कभी नहीं ऐसी फोटो आती, ना ही हमें ऐसी कोई जगह मिलती है, ना ही कोई आइसक्रीम वाला मिलता है जिसकी रेडी पे मालदीव से. मालदीव से आइसक्रीम वाली गए थे मालदीव. हम जब गए थे बहुत भीड़ थी, समंदर भी नहीं दिख रहा था. वाओ, दिखाइए कमेंट्स. जब सीट गर्म होती है तो पहले के ढाई मिनट हम भी ऐसे खड़े खड़े साइकिल चलाते हैं. हमें भी बुला लीजिए, आपके साथ भुट्टे बेच लूंगा, मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा, कृपया डीएम करें. व्यापारी आदमी है कोई, उसको मालूम है मैं सिंधी हूं इसलिए. और दिखाइए. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. वाह वाह. आपको शौक है सर बाइकिंग का? फोटो खिंचाने का शौक है. आइए देखते हैं कमेंट. ये मनुष्य के जीवन का सबसे कटु एवं कठोर सत्य है, आदमी गाड़ियां सारी चेक करता है, एंड में लेता फोटो ही है. ईमानदारी देखिए, ईमानदारी है. किसी लिखा है When she says I like bikers, सौरभ जी next day. सर क्या ढूंढ रहे हैं, पेट्रोल की टंकी आपके पेट के नीचे ही है. मजेदार सेगमेंट है. हमने तमन्ना के बारे में एक बात सुनी कि तमन्ना के कोई मैनेजर नहीं है, इनके पापा ही इनकी डेट्स जो है मैनेज करते हैं. लवली, तो ऐसे कभी मतलब किसी को आपके साथ डेट पे जाना हो तो वो डेट भी पिताजी देंगे? काफी सारी चीजें जो आपसे पूछनी थी, मौका ही नहीं मिलता. जैसे मुझे ये भी जानना कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम, वो कौन हैंडल करता है? बड़े सारे लड़के आपको हार्ट वार्ट भेजते हैं ना सब, मुझे भी एक दो बार मर्दों वाली गालियां पड़ी हैं आपके अकाउंट से, इसलिए मुझे कंफर्म करना था कि वो कौन देखता है आपका. मैं देखती हूँ, पर एक टीम भी है जो मदद करती है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे इवेंट पे रहते हैं तो दे पोस्ट ऑन आवर बिहाफ, बट सारे अप्रूवल्स हम ही से जाते हैं. प्लीज आप रेगुलर पोस्ट किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है आपकी फोटोग्राफ्स वीडियोस देखना. धन्यवाद. एटलीस्ट फॉर यू तो आई 100% पोस्ट. थैंक यू बेब्स. अरे शर्मा जी, बहुत गलत बात है. इतना बड़ा बड़ा लोग आपके घर पे आया है, आप हमको बताए भी नहीं, एक फोन कर देते, एक मसाज ही कर देते छोटा सा. और हम तैयार होके आते हैं. नमस्ते मधुर जी. नमस्ते, नमस्ते. तमन्ना जी, सुप्रिया शुक्ला जी, शुक्रिया शुक्ला जी कि आप हमारे मोहल्ले में आए. हमें लग रहा है हम थोड़ा गलत टाइम पे आ गए हैं. जब पता है गलत टाइम पे आ गए तो इधर क्यों फैल रही हो फिर? गलत टाइम पे आए हैं मतलब हमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए. जब ऐसा खातिरदारी चल रहा हो हम तब आ जाते तो हमको भी थोड़ा चाय कॉफी पीने को मिल जाता. ड्राई फ्रूट्स है उधर, इतना ही दिया. कुछ ऐसा गरम गरम नाश्ता नहीं मंगाया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ग्रीन टी पिला दिया उसने. कुछ भी नहीं, कुछ नहीं. खातिरदारी ठीक से नहीं करते आप मेहमानों का. क्यों, किसने बोला नहीं करते हैं? कभी भी कोई मेहमान एक दिन से ज्यादा टिकता नहीं है आपके घर पे. हम अपना इंट्रोडक्शन तो देना रह ही गए. माइसेल्फ गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. कपड़ा धोने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता. क्यों? नहीं, डिटर्जेंट लगा रहता है ना, फिसल जाता है. मत करे, हर बार इतना हंसती है ना सर, फिर इससे कंट्रोल नहीं होता. हाँ. गुर्दा निकल के सलवार में गिर जाता है. क्यों ऐसे बेकार जनरेटर की तरह हंसती हो? ये हमारा स्टाइल है. मधुर जी ऐसा काट टुकुर टुकुर देख रहे हैं. हंसती हुई खूबसूरत लड़की कभी देखे नहीं होता. नहीं, आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप हमको हीरोइन बनाएंगे? Oh my God. हम नहीं बनना चाहते हैं. क्या हीरोइन बन जाएंगे तो मोहल्ले का कपड़ा कौन धोएगा? तुमने मतलब कैसे सोच लिया कि तुमको फिल्म में हीरोइन लेंगे? हमको काहे सोचना है, वो डायरेक्टर हैं, वो सोचेंगे. और वो लड़कियों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं. देखिए, लड़कियों के लिए नो फिल्म बनाए हैं, कैलेंडर गर्ल्स, कॉर्पोरेट, फैशन, हीरोइन. लड़का लोग के लिए क्या बनाए? जेल. ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक सिग्नल फिर लड़कों के लिए ये बन रहा है. लेकिन एक फिल्म तो ये बीच में से ही बना दिए. कौन सी? पेज 3. मतलब पेज 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 4-5 कुछ नहीं, पेज 3 बीच में से ही बना दिए. कमाल है. एक बात बताइए, इसका अगर आप सीक्वल बनाएंगे तो नाम क्या रहेगा? मतलब पेज 4 पे जाएंगे? नहीं, या नहीं, 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 नहीं. पेज 3 का पार्ट 2 बन सकता ना. पेज 3 अच्छा है.
क्या हो सकता है, जाने की जरूरत ही नहीं है। पेज 32 ये पेज 32 हो जाएगा, बहुत पन्ना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मधुर जी सच बताएं आपको, आप जो फैशन फिल्म बनाए ना, हमारा धंधे के लिए बहुत अच्छा रहा। कैसे? आपका फैशन के चलते लड़कियों ने एकदम ऐसा छोटा छोटा कपड़ा पहनना शुरू किया। अब छोटा छोटा कपड़ा हम धोते हैं, पैसा पूरा मिलता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आजकल तो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं, हम मिक्सी में धो लेते हैं वो कपड़े। और फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लौटा देते हैं, कहते हैं ये लो फैशन एट अनदर लेवल। अरे क्या बात है, लेते हैं। बहुत बड़ी लॉन्ड्री इनकी, छोटी छोटी निक्कर तो मुंह में डाल धो देती हूँ। ये लीजिए आपकी निक्कर धुल गई। अरे यही करती है, लोगों के मुंह में मटन फंसता ना, इसके मुंह में बटन फंस जाता है। आप YouTube देखते हैं, YouTube उसमें ऐड आता है तो स्किप करते हैं ना, इनका बातों को आप वैसे ही स्किप कीजिए। मुझे कर सकते हो स्किप, इसको तो कर नहीं सकते। वैसे सुप्रिया शुक्ला जी कैसन बा, घर पे घर परिवार सब ठीक बा, लाइफ सब ठीक बा? बड़ी बातें करी, तेरी बुआ लगती हूँ। ऐसी हमारी बुआ होती तो हमारा फूफा बहुत खुश होता। और वैसे भी अगर बुआ है भी तो हम हालचाल का ही पूछेंगे बुआ से, तो क्या पूछेंगे? बुआ से तो डायरेक्टली कहेंगे कि 1500 रुपए निकाल। हाँ तो ठीक है। बात के? नहीं नहीं, हमारा बुआ का हम कपड़ा धोए वो हमको पैसा ही नहीं दिए। दे दूंगी दे दूंगी। और कपड़ा धोए तो धोए, एक बार तो हम फूफा को धोए। नहीं नहीं, शराब पी के आए घर पे, अब बुआ को तंग कर रहे थे, अब बुआ रोने लगी। अब रोती हुई बुआ हमसे देख ही नहीं जाती। इतना प्यार करती है? प्यार व्यार कुछ नहीं है, रोती हुई बहुत गंदी दिखती है हमारी। पानी वानी छोड़ती है मुँह से, बहुत अजीब सी लगती है। पर तब हमारे फूफा को और प्यार आता है बुआ पे। ओ गॉड। पर तुम तो कहती बुरी लगती है वो। हाँ नहीं नहीं, वो पिए हुए है ना फूफा तो। बुरी लगती है, अच्छी लगती है, पीने के बाद कहाँ पता चलता है। एक बार तो एक घर का टेबल फैन है, उस पर हम दुपट्टा सुखाए थे, फूफा उसी को कमरे में ले गए। फिर टेबल फैन जो है ऐसे ऐसे किया, तब जाके फूफा माने हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है। तमन्ना जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बाहुबली में क्या हो। गुड़िया जी हम आपके बहुत बड़े एसी हैं। ओहो क्या बात है। नहीं नहीं, आप सच बताएं, एसएस राजा गाजर जी ने बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया। कौन? एसएस राजा गाजर जी, राजा मौली साहब। कितने मिनट रखा? मौली का भी मौली का सीजन नहीं चल रहा है, अभी गाजर चल रहा है, इसलिए। गौर से देखिए तो हम में और तमन्ना जी में ऐसा ज्यादा फर्क है नहीं। एक मिनट देखिए, ये तो मारपीट वाली बात है। गौर से देखिए, देखिए चार्म देखिए, सेम टू सेम चार्म। ब्यूटी देखिए, सेम टू सेम। अच्छा हाँ, एक्टिंग में थोड़ा 19-20 है, लेकिन इम्प्रूव कर रही है तमन्ना जी। सॉरी तमन्ना जी, आपको सच बताएं, हमारा शादी का बात चल रहा है अभी। खुश होने की जरूरत नहीं, बात ही चलता है। हमारा मम्मी पापा अभी लड़का का घर पे गए हैं, कभी भी शादी हमारा पक्का हो सकता है। और मधुर जी लड़का बहुत अच्छा है। क्या बात है। हाँ, ये भाग दौड़ का दुनिया में सुकून देने का काम करता है। क्या काम करता है? मालिश वाला है वो। जू बीच पे अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है उसने। हाँ आप सोचिए, हम एकदम थके मांदे कपड़ा धो के जब घर आएंगे, हमारा बैक पे अच्छा डीप टिश्यू मसाज कर देगा, हमारा सर दबा देगा, कितना सुकून मिलेगा हमको, इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा फोन बज रहा है। उसको उनका भरोसा नहीं रहता, वो बजाते नहीं टाइम पे, खुद बजाना पड़ता है। एक मिनट, हेलो हेलो। हाँ, doesn't trust them। हेलो। हाँ, रिश्ते का बात हुआ पक्का? क्या वो सरिता को चूज, हमारी जगह सरिता को चूज कर लिया? कैसे? हमारा फोटो दिखाई कि नहीं? सरिता के साथ वाला फोटो क्यों दिखाई? अरे हमारा वो सोलो फोटो दिखाना था जो फोटोशॉप करके भेजे थे हम। लड़का साथ में है, उसको जरा फोन दीजिए। हेलो।
क्या हुआ? मना कर दिया उसने? अरे वो क्या मना करेगा, हमने ही मना कर दिया। जिस लड़के को हम में इंटरेस्ट नहीं है, हमको भी उससे शादी नहीं करना। वेरी गुड, क्या बात है। और आप हमको बताइए, ये मालिश वालिश कोई काम हुआ क्या? सारा टाइम हाथ में तेल लेके घूमता रहेगा। अभी तो बोल रही सुकून देने का काम करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेल लेके घूम रहा है, डॉक्टर ने हमको कहा है ऑयली चीज से दूर रहना है। हमको नहीं चाहिए। और हमारा उसका क्या मेल हमको बताइए? उसका हाथ में तेल लगा रहेगा, हमारा हाथ में साबुन लगा रहेगा, हर बार फिसलते रहेंगे, कोई मिलाप ही नहीं है। और अच्छा लगेगा क्या आप हमको बताइए? कोई आदमी आकर हमसे घर पे पूछेगा तुम्हारा पति कहाँ है, हम कहेंगे हमारा पति गया तेल लेने, अच्छा लगेगा? हाथ से फिसल गया ऐसा रिश्ता हमको करना ही नहीं है। हाथ से फिसल गया। मधुर जी, फिर भी आपकी नजर में अगर कोई लड़का हो तो उसको आप ड्राइवर रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाहर आपके ड्राइवर को अभी हम पीट आए हैं। क्यों? क्यों? नहीं, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो लड़के का। बात कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने जरा सा उसको ऐसे किया, पीछे आ गया हमारे। वो अभी थोड़ा हॉस्पिटल गया है, थोड़ा देखिएगा। चलिए अभी हम चलते हैं, हमारा और भी जगह कपड़ा देना है। ठीक है, थैंक यू। चलिए ओके, निकलता है। हमारे यहाँ पे जो दर्शक मौजूद हैं यहाँ पे, आप जो चाहे तमन्ना जी से, सुप्रिया जी से, सौरभ जी से, मधुर सर से सवाल कर सकते हैं, जो आपका मन हो। जी मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हाय सर, मेरा नाम प्यारी है। प्यारी, अति उत्तम नाम। प्यारी, प्यारी, सो स्वीट। आओ प्यारी। तो कहाँ से हैं प्यारी आप? सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। अच्छा, वाह, स्टील नगरी से। हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर आपके वहाँ पे एक बार। मेरे घर आना चाहिए था। उस समय पता नहीं था इतनी प्यारी हो तो। जी प्यारी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत thank you. बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। और बचपन से आपका शो देख रही हूँ और अभी यहाँ पहुँच गई। बचपन से तवज्जो दीजिए। तो मधुर सर की फिल्में तो पैदा होने से पहले देख रही होंगी आप? मम्मी पापा देखते थे ना। बड़ा तवज्जो दिला रहे हैं आप हमारे। थैंक यू प्यारी, शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन सौरभ जी से, इफ यू परमिट। जी प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हमने आपको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखे, जैसे कल्लू मामा का सत्या पिक्चर में, एंड जॉली एलएलबी में जज का कैरेक्टर, एंड बट हमने आपको कभी भी मूवीज में रोमांस करते हुए नहीं देखा। तमन्ना तो है साहब की भी। सो एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सुप्रिया मैम के साथ, उनका परमिशन हो तो, एक रोमांटिक से सॉन्ग पे थोड़ा सा डांस करके दिखाए तो मजा ही आ जाएगा शुक्ला जी को। एनी टाइम, इट्स अ ऑनर टू बी विद सौरभ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसके साथ आपको डांस करना है, बोले इट्स एन ऑनर टू बी विद यू, तो क्या रोमांस हो सकता है आप खुद ही समझ लीजिए। नो, बट मैंने सच बोला। थैंक यू। नाइस, सो नाइस यू गाइस। सो गुड, सो गुड, ऑसम। थैंक यू सर। शुक्रिया प्यारी जी, धन्यवाद। आपकी वजह से हमने भी डांस देखने, नहीं तो कहां, फिल्मों में तो आज तक नहीं किया सौरभ सर ने। वेरी क्यूट, एक्चुअली क्यूट एंड एडोरेबल। थैंक यू सो मच प्यारी, गॉड ब्लेस यू डियर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। जी। सो मैं बेली डांस ट्रेनर हूँ। अरे वाह। आपको अगर कुछ स्टेप्स सिखा सकूँ तो आई विल। प्लीज सिखा दे। हमें भी देखना है यार। मेरा बेली डांस कौन देखेगा? हम देखेंगे। हम सीरियसली करते हुए बेली। हाय हाय, वेलकम। थैंक यू। ये क्या है, ये भी मंगवाया है? ये आपके लिए लेकर आई हूँ। बांधना पड़ता है ना यहाँ पर कमर पर। आपको ये दे दूं तो आप इसका अलग इस्तेमाल कर लो। इन्होंने कहना कितने आदमी थे। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू प्यारी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। तमन्ना जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। पता था मेरे को। जी, यहाँ बैठे जितने भी मेल और फीमेल हैं, यहाँ बैठे जितने भी मेल और फीमेल हैं, तमन्ना जी के आगे सारे फेल हैं। फेल? क्या आपने हमारी मार्कशीट देख ली है? अकेले आए आप? हाँ,
हमने भी पब वाला रूल बनाना है, बीवी के बिना कोई नहीं आएगा। आते बीवी को घर छोड़ के आ जाते, इधर आके तमन्ना जी के आगे सब फेल है। अभी आपकी पत्नी आपका पर्चा फाड़ेगी ना जब घर जाएंगे आप, नहीं आपको मालूम चलेगा। वो बहुत खुश होगी, वो भी उनकी फैन है बहुत बड़ी। अच्छा, क्या बात है, ऐसी बीवी हमें मिलवाओ। उनको मेरा प्यार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर कहाँ से आए आप? साइन मुंबई। साइन से जी? साइन कोलीवाड़ा जी। क्या नाम है सर आपका? वीरू चौहान। वीरू चौहान, वीरू क्या कहना चाहते हैं आप? तमन्ना जी के लिए फिल्म के लिए एक गाना चाहता हूँ। सौरभ सर, हम बड़ा बाप खा के आए बाहर से, हमारे लिए बोली नहीं रहे। जी जी, गाना गाइए। बहुत बढ़िया यार। सर आप करते क्या हैं वैसे बाय प्रोफेशन? कपिल भाई मैं डायलॉग बोल के बताऊँ क्या करता हूँ। अच्छा जी। जब चलता है पुलिस का डंडा, अच्छा, तो मुर्गा भी देता है अंडा। आप पुलिस में? जी महाराज। बात है, पुलिस वाले मेरे को मेरे घर वाले जैसे लगते हैं। बिल्कुल, मुझे पता है ना, मैं पुलिस फैमिली से हूँ। तो पता है इसलिए। आपने बताया नहीं पहले, बड़े शायराना किस्म के आप पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले लिखता भी हूँ ना। वाह क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? आइए जी, कड़ी चावल आए। हाय कपिल सर। हाय अर्चना मैम। हाय एवरीवन। मेरा नाम बंकिम है। जी बंकिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया, कुर्ला से। कुर्ला से? हाँ जी। कुर्ला करके आए? कुर्ला भी करके आए, नहा के भी आए, एकदम फ्रेश होके आए, क्योंकि आपका शो है तो फिर सब पूरा फ्रेश होके आना ही पड़ेगा। और ये आपके साथ कौन आई है? मेरी वाइफ आई है साथ में। वाह वाह। मेरा सवाल है मधुर जी से है जी, और मेरी शिकायत भी है। बोलिए। क्या आप हमेशा लेडीज बेस पे ही फिल्में बनाते हैं? हाँ। मर्दों ने क्या गुनाह किया है क्या? हाँ बताइए भाई साहब। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वुमेन सेंट्रिक की फिल्में बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने जेल, ट्रैफिक सिग्नल दोनों क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी, नेशनल अवार्ड भी मिला उसको। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, और वुमेन सेंट्रिक जो फिल्में होती है, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कई ऐसे इशू है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहिए, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल फील होता है। इसलिए मेरी ज्यादा पिक्चर वुमेन सेंट्रिक रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे परहेज है मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाने से। हम आपकी फिल्में देखते हैं ना, तो लेडीज लोग का मतलब गर्व फील होता है। अच्छी बात है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम क्या करें। थैंक यू सो मच। आप दिखाने लेके जाते हैं मैडम को पिक्चर? मैडम नमस्कार। भाई साहब लेके जाते हैं आपको पिक्चर दिखाने? लेके जाते हैं। महीने में कितनी बार? दो बार। लास्ट पिक्चर कौन सी दिखाई थी इन्होंने? अभी लॉकडाउन के बाद तो नहीं देखा है। अरे, आपको किसी ने बताया नहीं लॉकडाउन खुल गया? ये सलाह करके आपने येलो पहना आज? पहले किसने पहना था? क्यों दूसरे ने उसको देख के पहना होगा? नहीं, पहले मैंने पहना है, फिर वो जो कपड़ा बचा ना, तो उसमें से मेरी वाइफ का भी बना दिया मैंने। मैं बोला कपिल शर्मा के शो में जाना है तो मैचिंग पहन के ही जाओ। क्या बात है। अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर का ही दुकान है मेरा, लेडीज टेलर का, डिजाइनर टेलर है मैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये कपड़ा आपने खुद खरीदा कि किसी का बचा था? और एक बात बताइए, आपने मधुर जी से सवाल किया, आपने कहा आप लेडीज टेलर हैं। हाँ जी। तो मर्दों ने क्या गुनाह किया कि उनका कपड़ा? अब आया बंकिम शुक्ला के नीचे। अब बताइए भाई साहब, लेडीज टेलर बनने की मेरी वजह है कि लेडीज में फैशन अलग अलग रहते हैं, और जेंट्स लोग एक ही कपड़े में दो तीन दिन चल जाता है। इसके लिए मैं लेडीज टेलर बना, और उससे मतलब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप समझ गए ना, तो मधुर जी क्यों बनाते हैं औरतों के ऊपर पिक्चर? समझ गया मैं अभी। ओके सर, शुक्रिया बंकिम जी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए, क्या बात है। Enjoyed the show? Very loved it, amazing. मधुर सर, सुप्रिया मैम, तमन्ना, सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो में आए, चार चांद लगाए, बड़ा मजा आया बातें करके आप लोगों से, और ढेर सारी शुभकामनाएं बबली बाउंसर के लिए भी, और उसके बाद आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, और लव यू सर। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू, थैंक यू माय डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू मधुर सर, थैंक यू यार, थैंक यू मैम। तो आप तो इधर ही हैं। मैं यहाँ पर बहुत सालों से आ रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली एवरी टाइम जब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे ना जबड़े में दर्द हो जाता है और फिर मुझे रोना आता है, क्योंकि मैं इतना हंस चुकी होती हूँ। एंड कपिल, शायद ही कोई शो होगा दुनिया में जो हर सीजन में बेटर होता है। थैंक यू, थैंक यू। इज द पावर ऑफ कपिल शर्मा।
ये सब टीम है हमारी, अच्छे कलाकार मिल जाते हैं, काम जैसे मजेदार लोग आते हैं। कपिल का जलवा बरकरार है। शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एंजॉयिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।